नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा आशा पारेख का है। धर्मेंद्र के हेमा मालिनी के बाद अगर किसी के साथ जोड़ी पसंद की जाती है तो वो आशा पारेख ही थी। आशा पारेख संग धर्मेंद्र ने कई फिल्में की। धर्मेंद्र ने एक बार खुलासा किया था कि वो सेट पर कई बार बियर पीकर चले आते थे, लेकिन उनकी एक्ट्रेस आशा से जब ये सवाल किया गया तो वो हैरान रह गईं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि धर्मेंद्र ऐसा भी करते हैं। आशा पारेख ने अपने साथ का एक किस्सा एक बार कपिल शर्मा के शो पर शेयर किया था। लोग तो उनसे भी पूछने लगे थे कि क्या आप शराब पीती हैं। आशा पारेख ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में काम किया और बाद में कलर्ड फिल्मों का समय आया। कलर फिल्मों में काम करने के अपने अनुभव के बारे में आशा पारेख बताती हैं कि भले ही देखने वालों को कलर फिल्में बहुत अच्छी लगती थीं, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में करना ही पसंद करती थीं। आशा का कहना था कि कलर फिल्मों में लाइट्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता था कि इससे कई बार उनकी स्किन तक जल जाती थी, क्योंकि उन दिनों AC वगैरह नहीं होते थे। आँखों पर लाइट्स इतनी तेज़ पड़ती थी कि इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, जबकि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर में ऐसा नहीं था। आशा ने बताया कि आंखों पर लाइट्स की वजह से उनकी आंखें लाल हो जाती थी और कई दिनों तक आंखें फिर लाल ही रहती थी। आशा ने बताया कि उनकी लाल आंखें देखकर लोग सेट पर पूछने लगते थे कि आशा जी, आप शराब पीती हैं क्या, जबकि ये सब कुछ लाइट्स का कमाल था। आशा आगे बताती हैं कि रंगीन फिल्मों के दौर में लाइट्स का इस्तेमाल इतना बढ़ा कि इससे गर्मी भी खूब लगती थी। उस जमाने में स्टूडियो में AC नहीं हुआ करते थे और ऐसे में एक्ट्रेसेस को ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि मेकअप और ड्रेस की वजह से उनको इन लाइट्स की गर्मी से दिक्कत होती थी। और लेकिन पुरानी फिल्में और वो दौर कुछ ऐसा ही था। तब वैनिटी वैन नहीं होती थी, शूटिंग पर शौचालय तक की व्यवस्था नहीं होती थी। कई बार एक्ट्रेसेस को कहीं जंगल में खुले में पुरुषों की तरह ही शौचालय करना होता था, शौचालय का इस्तेमाल करना होता था, बाथरूम वगैरह। तो इस तरीके की दिक्कतें पुराने दौर में रहीं, लेकिन जब ब्लैक एंड वाइट से रंगीन फिल्मों का दौर आया, उसमें जो सबसे ज़्यादा असर हुआ वो लाइट्स के इस्तेमाल का हुआ, क्योंकि लाइट्स ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के दौर में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी जितनी कलर्ड फिल्मों के दौर में होने लगी। दरअसल ये हिंदी सिनेमा के एक्सपेरिमेंट का दौर भी था, लेकिन उस दौर की फिल्में अगर आप देखें और उस दौर के जो हीरो हीरोइन थे उनकी अदाकारी को अगर आप देखें, तो आप भांप नहीं सकते कि इतनी मुश्किल हालात में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आज के कलाकार क्या कर पाते उस जमाने से तुलना अगर करें तो मुश्किल होगा। खैर, सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।